जितने भी याद करेंगे इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी सजा दिलाएंगे। अब कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, ये घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सच सच सजा दिलाएंगे जो भी दोषी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो जो दोषी है उनकी पुष्टि भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूँ, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। माननीय जी, अब आप हमारी इनकी बात भी सुन लीजिए, आप अभी बात कहिए। मैं चाहता हूँ कि जो इसमें जो वो आर्मी मैन है गौरव दीक्षित और एसडीएम है मैथा जो ज्ञानेश्वर प्रसाद, इनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये मुख्य अपराधी यही हैं। एसडीएम महोदय और जो ये एसएचओ रूरा हैं इनको भी थोड़ा ध्यान में दिया जाए।